देखिए, हमारे विभाग के कई आयाम हैं, हमारे 5 डायरेक्टरेट हैं। आज हम जो हमारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, जिसको SCERT के नाम से जानते हैं, इसके कई संस्थान हैं, लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान है, राज्य शिक्षा संस्थान है, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है, मनोविज्ञान शाला प्रयागराज में है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान है। ऐसे अलग अलग संस्थान जो इस राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत काम करते हैं, और जिसमें एक प्रमुख हिस्सा जो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का है। आज अलग से हम हमारे अपर मुख्य सचिव, हमारे DG स्कूल एजुकेशन और SCERT के डायरेक्टर और हमारे सभी SCERT के विभिन्न संस्थानों के जुड़े हुए अधिकारी उनके साथ आज बैठे हैं। हर संस्थान की अब तक की जो जो उनका काम है उसकी प्रगति क्या है, उनके सामने समस्याएं क्या हैं, आगे का एजेंडा उनके सामने, और विशेष रूप से जो डाइट है जहां हमारे DLED के प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण होता है, उनमें कहां क्लासरूम्स की कमी है, कहां ऑडिटोरियम चाहिए, विशेष रूप से गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था, क्योंकि लड़कियां दूर दराज से जाती हैं, वहां पर उनके रहने की व्यवस्था को लेकर के, उनके टॉयलेट को लेकर के, लगातार जो हमारे शिक्षक हैं इन सर्विस ट्रेनिंग की व्यवस्था भी पहले से भी है, लेकिन हम थोड़ा इसको और तेज कर रहे हैं और निरंतरता इसमें बनी रहे हमारे टीचर्स के सेवा में आने के बाद। कई बार अब तक क्या होता था कि एक बार उनका चयन हो गया तो बीच में कोई नई नई टीचिंग मेथड्स आते थे या नई किताबें आती थी, नई तकनीक आती थी, उससे वो अनभिज्ञ रहते थे। उन चीज़ों के लिए लगातार इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती रहे, उसको लेकर निष्ठा ऐप अभी जो आया है हमारा भारत सरकार का, जिसको हमने अडाप्ट किया है, पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक चला रहे हैं, उसके ऑपरेशन को लेकर भी ट्रेनिंग करने का, इन सब चीज़ों की पूरे वर्ष की एक अब तक की वास्तविक स्थिति की समीक्षा और आने वाले एक वर्ष की कार्य योजना उसको लेकर बैठे। सर, इसकी क्या डेट एक्सटेंड कर रहे हैं आप? ये अब तक की जो स्थिति है, हमने एक डेडलाइन इसलिए दी थी, डेडलाइन देना पड़ता है ताकि सामने काम का एक टारगेट रहे। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये था कि सर्दियां शुरू होने से पहले, चूंकि हम फुल स्वेटर देते हैं, फुल स्वेटर शुरू होने का मौसम आए उसके पहले बच्चों को फुल स्वेटर मिल जाए। जैसे आज SCERT की समीक्षा कर रहे हैं, आज तो एक विशेष तरह के संस्थानों की, इसी तरह से आने वाले दिनों में लगातार एक एक विंग की समीक्षा करने वाले हैं। स्वेटर वितरण की समीक्षा तो डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है। अभी तक की स्वेटर वितरण की जो स्थिति है, हमारे सभी 75 जिलों में स्वेटर की आपूर्तिकर्ता जो फर्में हैं वे स्वेटर की आपूर्ति कर रही हैं और लगातार वितरण हो रहा है। अब आपूर्तिकर्ता फर्में जिले में भेजती हैं, जिले से ब्लॉक में, ब्लॉक से स्कूल तक जाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन लगातार ये चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ये सप्लाई की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उसके बाद पूरी एक समीक्षा करेंगे कहाँ की क्या कैसी स्थिति है। इसी तरह से मिड डे मील को लेकर भी समीक्षा करने वाले हैं, जो टीचर्स का की गतिविधियाँ उनको लेकर भी, ये हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की है। लगातार जितने हमारे निदेशालय हैं 5 और जितने अलग अलग आयाम हैं उन सब की प्रगति की लगातार समीक्षा करेंगे। सर, इसके अलावा और रिपोर्ट मांगी गई थी, एक महीने से ऊपर का समय बीत चुका, अभी तक डीजी साहब के पास ही वो रिपोर्ट जिलों से नहीं आई है, तो आगे कब रिपोर्ट आएगी, कब ये बदले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें समझने में थोड़ी गलती है। एक दो जगहों से शिकायतें आई मीडिया के माध्यम से या जैसे भी, कि जूते या बैग जब कोई गया देखने तो फटे हुए थे, फटी हुई सप्लाई हुई थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया, उस समय फटे हुए थे। तो हमारी अपर मुख्य सचिव ने सतर्कता के रूप में एक दो जगह भले शिकायतें आई थी, लेकिन उन्होंने एक जनरल ऐसा आदेश दे दिया सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कि जहाँ कहीं भी, देखिए हमारा विभाग कितना अलर्ट है, हम सब और हमारे सभी अधिकारी बिल्कुल भी कहीं भी चीज़ों को दबाने छिपाने के मूड में नहीं रहते हैं। विभाग ने अलर्ट होकर के सब जगह ये आदेश कर दिया कि इसके लिए अलग से शासन से पूछने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी किसी भी जिले में किसी स्कूल में इस तरह की शिकायत आती है कि जूते या बैग जो गारंटी का समय है 1 साल का, उसके पहले अगर उनमें कोई कमी निकलती है, वो कटे हुए या फटे हुए नज़र आते हैं, तो तुरंत ही आपूर्तिकर्ताओं से कह करके उनको रिप्लेस कराया जाए, और जहां कहीं भी शिकायत आई थी ये चीज़ें हो रही हैं। आपने जो बात कही, स्तर से ही अपने स्तर से ही उनको फिर से रिप्लेस कराना था। वो ज़्यादातर जगहों, बहुत कम जगहों पर ऐसी शिकायतें थी, जहाँ थी वहाँ हो गया है, जहाँ नहीं हो पाया होगा उनको हम देख लेंगे। आप मुख्यमंत्री आवास के, आपके आवास के पास में GMO में विद्यालय, उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं, बाकी आप जिस विद्यालय में चाहे, हम चाहेंगे आप मीडिया को आमंत्रित करके एक निरीक्षण करें, हम करा लेंगे, और वहाँ पर आप जाइए, बैग जूते सब गड़बड़ है, गायब है, करा लेंगे हम उसकी उसका भौतिक सत्यापन हम करा लेंगे कि जो
कमी थी वो उसमें सुधार हो गया। रिपोर्ट्स आपके 158,000 विद्यालय है, इतनी जगह नहीं हो सकती है, जाहिर सी बात है, तो विभाग को ही उसमें कुछ अपना बिल्कुल तय करना होगा। बिल्कुल, और जो आप कह रहे हैं उसका हम भौतिक सत्यापन करा लेंगे। सर नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है 2021 की, आदिवासी शिक्षा विभाग नहीं, हम देखिए फिर कोई डेडलाइन हम देना नहीं चाहते, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि हम पीछे के जो हमारे अनुभव हैं उनसे सीख लेकर अभी से हमने अगले सत्र की पूरी तैयारी शुरू कर दी है, पाठ्य पुस्तकों को लेकर, जूते को लेकर, बैग को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर, स्वेटर को लेकर के, और अगले सत्र में ये प्रयास करेंगे। अभी भी हो रहा है, लगातार चीज़ों की समय से आपूर्ति हो रही है, अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि समय से पहले चीज़ों की आपूर्ति सुनिश्चित कर लें, ताकि जब जुलाई से अध्यापन कार्य शुरू हो तो जुलाई से लेकर के फरवरी मार्च तक केवल अध्यापन कार्य हो, हमारे शिक्षक और हमारे अधिकारी इन चीज़ों में ज़्यादा समय तक व्यस्त ना रहें। एक टाइम फ्रेम में सत्र शुरू होने से पहले बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर ली जाए। अब यूनिफॉर्म तो तभी दे पाएंगे जब नया बच्चा आएगा, लेकिन उसकी तैयारियां पूरी कर लें। ये सारी चीज़ें करने के लिए अभी से ये जो बैठकें चल रही हैं वो उसी की एक्सरसाइज है कि सब चीज़ें हम समय से कर लें, ताकि जो एकेडमिक कैलेंडर है, पढ़ाई का समय है, उस समय पढ़ाई के काम में रहें, बाकी और चीज़ों में व्यस्त रहें। तो नए मामले खुलकर सामने आए, अयोध्या में मामला संज्ञान में नहीं है, आप कह रहे हैं तो आज ही इस मामले में रिपोर्ट मंगाते हैं, और अगर इसमें दोनों डीजी साहब जरा नोट करिए, दोनों मामले की रिपोर्ट मंगाते हैं, और अगर इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा है तो। एक छोटा सा मामला और, बेसिक शिक्षा अब जो है अपने अध्यापकों को ऑनलाइन इंग्लिश सिखाएगा, क्या है पूरा प्लान, किस तरीके से सिखाएंगे, ऐसा कोई क्या ऐसा प्लान ऑनलाइन? देखिए स्पोकन इंग्लिश का ये बहुत सारे, देखिए बहुत सारे ऑनलाइन मॉड्यूल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने तो अपने टीचर्स को भी अभी निष्ठा की ट्रेनिंग भी इसीलिए दे रहे हैं, दीक्षा जो हमने लागू किया इसीलिए कि हमारा टीचर अब तो चाहे ऑनलाइन स्मार्टफोन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता है, समझ सकता है। तो जो इंग्लिश मीडियम के हमारे स्कूल हैं, अभी जो 15,000 हमने स्कूल शुरू किए हैं, देखिए हमारी एक समस्या थी कि हमारे पास हम कोई इंग्लिश मीडियम की टीचर्स की भर्ती हमने विभाग में नहीं की थी, जो शिक्षक पहले से हैं उसी में से जिन लोगों की इंग्लिश इफिशियंसी थी उसका हमने एक टेस्ट लिया, और उस टेस्ट के आधार पर उन्हीं को उसमें अपॉइंट किया। वो ना पहले इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाते थे, उनके नया प्रयास कर रहे हैं, वो उन्हीं टीचर्स में से कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैसे बेहतर उनकी फ्लुएंसी हो सके, वो बच्चों को अंग्रेजी बोलना भी सिखा सकें, बच्चों से अंग्रेजी में बात कर सकें, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, वो जो भी तरीके हो सकते हैं चाहे उनकी फिजिकल ट्रेनिंग का या ऑनलाइन ट्रेनिंग का वो करेंगे। थैंक यू सर।